अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना ब्रेड काट लिए, जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप काट सकती हैं। ब्रेड मैंने ऐसे काट लिए, ये बना रही हूँ मैं मीठे तो शीरे वाले, बहुत अच्छे बनते हैं। जब आपका दिल चाहे मीठा खाने को, ये उसी वक्त चटपट बन जाएंगे। ठीक है, एक कप मैंने ना ये चीनी का लिया है, इसे चीनी को ना चाशनी पकाएंगे इसकी, मतलब पका के ना एक कप ये पानी का डालूंगी मैं इसमें, एक कप चीनी का ये पकाऊंगी। ठीक है, फिर इसे ना मैं अपना ये घी में तलती हूँ। फिर उसके बाद ना मैं ना आपको ना शीरे में ना ये ना सारे तोश डाल दूंगी, वो मैं आपको रेसिपी आगे आगे दिखाऊं। ये ना डार्क ब्राउन कलर के करने हैं, आप ये देख लें। फिर उसके बाद शीरा पकाते हैं, शीरा पका के ना जब शीरा ठंडा हो जाएगा दो उतार का, फिर उसमें डालेंगे। ये देखिए ना डार्क ब्राउन हो गए हैं और थोड़े से ये हो जाएगा, तो पीछे ये देखिए थोड़ा सा और करते हैं। आप बनाएं, आप ज़रूर पसंद आएंगे। ये आप हमारा ना वीडियो को पूरा देखा करें, मैं आसान ही रेसिपी बताती हूँ, मुश्किल नहीं होती मेरी रेसिपियाँ, क्योंकि हर बच्चे बना लें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब मैं ये निकाल लेती हूँ। बस ऐसे ही तोशना मैं सारे तल लेती हूँ। ये मैंने ना सारे कर लिए डार्क ब्राउन और निकाल लूंगी मैंने। आप बनाएं, हमें बताएं कैसे बने। बस मैं अपनी ये निकाल लेती हूँ। एक कप हमने पानी का ले लिया, ये मैंने चीनी डाल दी इसमें। अब ये पकेगा तो फिर दिखाएंगे पकाया। हाँ जी, ये देखिए चाश पक रही है और पकेगी अभी ना, ये तार नहीं बनी इसकी, तो फिर ना ये बन जाएगी ना, फिर आपको दिखाते हैं। अभी पक रही है, ये देखिए अच्छी तरह पक रही है। ये देखिए ये शीरा गाढ़ा भी हो गया है। अब ना ये इसे में ना हम डालेंगे, ठंडा हो जाएगा ना ये, तो इसमें ना फिर वो तोश जो तले है ना वो डाल के ना इसे निकालेंगे, ठंडे होने के बाद डालना है। अभी डाल देंगे वो सही नहीं रहेंगे। अब मैं ना ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं आपको ना दिखाती हूँ। ये ठंडा होने ना इसमें डाल रही हूँ सारे। ये अच्छी तरह ना लग रहा है ना, मतलब जो शीरा है तो ये लग जाएगा इसके साथ है, रोटी के साथ आप बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें अब हम निचोड़ के ना निकाल लेते इसे। जो ये शीरा ना वो ज़्यादा वो निचड़ जाएगा, फिर ना इसके बाद हम आपको ना निकाल के दिखाते हैं। रेसिपी तैयार हो गई है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगली रेसिपी के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, हमें भी दे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।